नमस्कार, मैं डॉक्टर बीएस नाइकवाड़े। यहाँ अभी हमने सलोका प्रस्थापन संस्था के अंतर्गत A1 इलाइट पेट क्लिनिक शुरू किया है। शहर में बहुत अच्छे डॉग ब्रीडर हैं, अच्छे क्वालिटी के डॉग ब्रीड करने वाले लोग हैं, कैट ब्रीडिंग करने वाले पर्सियन कैट वगैरह बहुत से कैट ब्रीडर भी हैं। और हमारी कोशिश ये है कि जो डॉग ब्रीडर हैं, कैट ब्रीडर हैं, उनको सही इन्फॉर्मेशन मिलना, उनके वैक्सीनेशन के बारे में, डिवर्मिंग के बारे में, उनके बहुत से ब्रीडिंग में मेजर जो आता है कि अगर ब्रीडर अगर उस रिकॉर्ड नहीं रखता है अपने ब्रीड्स के, या तो बहुत बार इन ब्रीडिंग हो जाता है, इन ब्रीडिंग के बच्चे अगर आपने सेल किए तो उसमें भी बहुत से प्रॉब्लम आ जाते हैं कि अर्ली मॉर्टेलिटी हो जाती है, या फिर इम्यूनिटी, डिसीज की इम्यूनिटी नहीं रहने से छोटे छोटे बीमारियों से वो कैट्स मर जाते हैं, फिर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ जाते हैं, डिस्टोकिया हो जाता है, स्टील बर्थ हो जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। इन ब्रीडिंग के बहुत से जो एहतियात बरतनी चाहिए वो भी ब्रीडर्स के लिए मालूमात जरूरी है। टाइम टू टाइम डीवर्मिंग करना जरूरी है, वैक्सीनेशन करना जरूरी है। डीवर्मिंग बहुत से लोग नहीं करते। डीवर्मिंग की वजह से एक तो प्रेगनेंसी में एक तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती, स्टील बर्थ भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं, और वो जो बच्चों के पोषण के लिए जो न्यूट्रिशन जरूरी है जो उसके खून में जाता है वो कम पड़ता है, एनीमिक हो जाते हैं। एक तो फीमेल भी एनीमिक हो जाती है और बच्चे भी एनीमिक हो जाते हैं, और बहुत से बच्चे गर्भ के अंदर ही मर जाते हैं, डिस्टोकिया हो जाता है, उसमें बहुत से अच्छे क्वालिटी के महंगे कैट मर सकते हैं। डीवर्मिंग जरूरी है। वैक्सीनेशन, उसका वैक्सीनेशन शेड्यूल बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। वैक्सीन इतने सारे वायरल डिसीजेज और वायरल इन्फेक्शन का फिर लास्ट स्टेज में पता चलता है जब हम कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए वैक्सीनेशन, ये डिस्टेम्पर, हेपेटाइटिस, लेप्टोस्पायरा, पारो है, पैराइन्फ्लुएंजा है, उसके सब वैक्सीनेशन एज पर द शेड्यूल सब ब्रीडर ने देने जरूरी है, उसका शेड्यूल डॉक्टर से लेना जरूरी है। बाद में विटामिन एंड मिनरल्स, मोस्टली इन किटन्स, जो बढ़ने वाली किटन है जो 2 महीने तक के, उनको उनके बोन की ग्रोथ होती रहती है, बाकी के सिस्टम्स डेवलप्स होते रहते हैं, तो उसमें अगर मिनरल्स और विटामिन्स सही मात्रा में उसको नहीं मिले तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। और दूसरा, प्रेगनेंसी में विटामिन्स और मिनरल्स की बहुत ज़रूरी होती है। कैल्शियम कम पड़ गया तो डिस्टोकिया तो उसको होना ही होना है, और डिस्टोकिया में बहुत से अच्छे कैट मर सकते हैं उसमें। और जो डिफिशियंसी डिसीजेस है विटामिन ए की वजह से, स्किन डिसीजेस है, उसकी आंखों की डिसीजेस है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की वजह से बहुत से उसकी स्किन के डिसीजेस होते हैं, तो ये जो प्रॉपर मात्रा में उनको विटामिन्स भी देना जरूरी है। और ये जो कैट के लिए उसकी ग्रूमिंग जरूरी है, एक्टोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स और उसमें बैक्टीरियल डिसीजेस, वायरल डिसीजेस, प्रोटोजोअन डिसीजेस, फंगल डिसीजेस, उसके बारे में ब्रीडर को मालूमात होना जरूरी है। इसके लिए हमारे संस्था में हम फोर्टनाइटली, हर 15 दिन में हम यहाँ के जो एक्सपर्ट है वो भी मालूमात देंगे, परभनी वेटरनरी कॉलेज के प्राध्यापक, मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और हमने जो ये नया वेंचर शुरू किया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑल कैट ब्रीडर्स को, डॉग ब्रीडर्स को, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा ले और हमें कांटेक्ट करें, और आपकी जो भी समस्याएं होंगी हमें अवगत कराएं, हम वो सुलझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।